आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। प्राथमिक शाला आरक्षी केंद्र चापा में रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चापा थाना से लगे हुए प्राथमिक शाला आरक्षी केंद्र चापा में संरक्षण एवं सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत बाल सुरक्षा सप्ताह मनाते हुए बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं थाना प्रभारी मनीष परिहार ने जानकारी देते हुए बताया, बच्चों को उनका अधिकार के बारे में जानकारी दिए गए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने मिलजुल कर भाग लिया। वहीं बच्चों से पुलिस की सोच के बारे में पूछा गया, जिसमें बच्चों ने सकारात्मक जवाब दिए और बच्चों के मन में पुलिस के प्रति डर की भावना है, उसे दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वही थाना प्रभारी ने बच्चों से मिलकर रंगोली कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दिए। सप्ताह मनाने का हमको निर्देश था, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना था, उन्हें शासन द्वारा गुड टच बैड टच और जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी देना था। इसी अवसर पर बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए आज रंगोली प्रतियोगिता का और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने मिलजुल कर भाग लिया। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी बच्चों से इंटरेक्शन किया गया, उन्हें पुलिस के बारे में भी, उनकी सोच के बारे में पूछा गया, जिसमें सभी बच्चों ने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया। इस प्रकार बच्चों से पुलिस के प्रति जो डर की भावना है उसे दूर करने के लिए और उनके क्या क्या अधिकार हैं उन बातों को समझाने के लिए कि बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इसको मनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।